तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन चैनल में। आज की पाइथन की क्लास में हम पढ़ेंगे कास्टिंग या फिर टाइप कास्टिंग के बारे में। क्या होती है कास्टिंग या फिर ये टाइप कास्टिंग और ये कैसे वर्क करती है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर पाइथन टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग या फिर कास्टिंग, इसे दोनों ही शब्दों से जाना जाता है। चलिए खोलते हैं सबसे पहले अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ये हमारी पुरानी फाइल है test3.py। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कमेंट्स के बारे में, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो पाइथन टाइप कास्टिंग या फिर कास्टिंग में हम ये सीखते हैं कि एक प्रकार के नंबर को दूसरे प्रकार के नंबर में किस तरह से चेंज किया जाता है। एक प्रकार के नंबर या दूसरे प्रकार के नंबर से मेरा मतलब है, जैसे कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटीजर नंबर होते हैं, फ्लोट नंबर होते हैं, स्ट्रिंग नंबर होते हैं, उसी तरह से पाइथन में भी इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग जैसे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो पाइथन कास्टिंग के लिए हमारे पास तीन प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए गए हैं। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइन किए गए हैं, यानी पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं। हम इन्हें केवल यूज करेंगे, हमें इन्हें बनाना नहीं है। पहला फंक्शन हमारा है इंटीजर फंक्शन, जिसे हम इंट लिखते हैं। दूसरा है हमारा फ्लोट एंड तीसरा है हमारा str फंक्शन। ये तीनों ही फंक्शंस हैं जिनका यूज करके हम पाइथन कास्टिंग या फिर पाइथन टाइप कास्टिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इन्हें कमेंट्स कर देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट फंक्शन को। तो हमने ले लिया एक एक्स वेरिएबल, इसके अंदर हमने लगा दिया इंट फंक्शन और इंट फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू देते हैं जैसे कि 10। इसी तरह से हम लेते हैं एक वाई वेरिएबल एंड इसके अंदर भी हम इंटीजर फंक्शन के अंदर एक डेसिमल वैल्यू डालते हैं जैसे कि 28.56 एंड एक थर्ड वेरिएबल भी ले लेते हैं जिसके अंदर इंटीजर फंक्शन के अंदर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते हैं जैसे कि पाइथन। तो हमने यहाँ पर तीन डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं, एक एक्स, एक वाई एंड एक जेड। एक्स वेरिएबल के अंदर हमने 10 एक वैल्यू है जिसे इंटीजर फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। 10 एक नंबर हमने इंटीजर फंक्शन को दिया। इंटीजर फंक्शन का काम है कि जो भी वैल्यू उसके पैरेंथेसिस में उसे दी जा रही है उसे वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, यानी इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर 10 पहले से ही इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर को अगेन इंटीजर फंक्शन ने इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया एंड x वेरिएबल में डाल दिया। उसी तरह से सेकंड लाइन में इंटीजर फंक्शन के अंदर हमने एक फ्लोट वैल्यू दी हुई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसे हमने एक डेसिमल वैल्यू दी है। इंटीजर फंक्शन का काम है इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो इसने इस फ्लोट वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। दैट मींस आगे का इंटीजर वाला हिस्सा, दैट मींस 28 को इसने स्टोर कर लिया वाई वेरिएबल के अंदर एंड डेसिमल के बाद जो 56 है इसे ट्रंकेट कर दिया, यानी हटा दिया। इसी तरीके से थर्ड लाइन में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पाइथन इंटीजर फंक्शन को दे रखी है। क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इस लाइन में एरर आएगी। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज ए। इसके अंदर हम देते हैं इंटीजर फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू, बट एक स्ट्रिंग के रूप में भी हम एक नंबर देते हैं जैसे कि 38। तो यहाँ पर इंटीजर फंक्शन को हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी रखी है जो कि 38 है। अब क्योंकि 38 एक न्यूमेरिक वैल्यू है बट इसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डबल कोट्स के अंदर हम दे रहे हैं, तो इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, 38 को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करा जा सकता है। इसलिए इस 38 नंबर को न्यूमेरिक यानी कि इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा एंड ए वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो सभी का आउटपुट हम चलिए देख लेते हैं। प्रिंट एक्स किया हमने, इसी तरह से प्रिंट वाई करते हैं, प्रिंट जेड करते हैं एंड प्रिंट ए करते हैं। तो चलिए अपनी फाइल को रन करके देखते हैं। ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, अपनी फाइल की लोकेशन पे चलते हैं। हमारी फाइल लास्ट टाइम हमने सेव करी थी सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में, तो अभी हमें सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर एंड यूजर्स फोल्डर के अंदर बना हुआ है धीरेन्द्र नाम का फोल्डर। तो हम पहले यहाँ से बाहर निकलेंगे। cd/ कमांड से हम सभी फोल्डर से एक साथ बाहर निकल सकते हैं एंड लास्ट में ड्राइव के अंदर पहुंच सकते हैं। ड्राइव से बाहर ये नहीं जाता है। एंटर की हमने प्रेस किया, हम आ गए हैं वापस अपनी सी ड्राइव के अंदर। अब हमें जाना है अपने पाइथन फोल्डर के अंदर, तो लिखेंगे cd स्पेस अपने फोल्डर का नाम यानी कि पाइथन। एंटर की प्रेस की, हम आ गए पाइथन फोल्डर के अंदर। अब हम अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। py स्पेस हमारी फाइल का नाम है test3.py एंड एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पर आ रही है एक एरर। एरर के रूप में आ रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर फंक्शन विद बेस 10 पाइथन। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइथन एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर फंक्शन ने इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाया है। इस वजह से जेड वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू नहीं जा पा रही है और जेड वेरिएबल यहाँ पर एरर दे रहा है, जबकि नीचे हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही 38
जो कि एक नंबर है इसे हमने भेजा है, लेकिन इंटीजर फंक्शन ने इसे यानी कि 38 जो कि एक नंबर है इसे डिटेक्ट कर लिया, एंड डिटेक्ट करने के बाद इसे स्ट्रिंग के डबल कोट्स को हटाकर न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया एंड ए के अंदर स्टोर कर रहा है। इस वजह से ए में एरर नहीं आएगी। तो चलिए हम जेड वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं यानी कि बंद कर देते हैं। हमने जेड की प्रिंटिंग भी बंद कर दी। अब चलिए करके देखते हैं, अपनी फाइल को करते हैं सेव एंड रन करके देखते हैं। इस बार कोई एरर नहीं आनी चाहिए एंड एक्स वाई एंड ए वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट हो जानी चाहिए इंटीजर फॉर्मेट में। अपनी फाइल को करते हैं रन एंड हमने देखा कि 10, 28 एंड 38 तीनों इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड प्रिंट हो चुके हैं। अब हम अपनी जेड वाली लाइंस को डिलीट कर देते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने x वेरिएबल के अंदर 10 पास किया था, 28.56 एक डेसिमल वैल्यू है। हमने इसको y वेरिएबल में पास किया एंड 38 जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया गया नंबर है इसे हमने a वेरिएबल के अंदर पास किया। तो यहाँ पर इंटीजर फंक्शन का काम था दी गई वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। पहली वैल्यू यानी कि 10 पहले से ही इंटीजर फॉर्मेट में थी तो x के अंदर 10 चला गया। इसी तरह से दूसरा नंबर जो कि डेसिमल नंबर है यानी कि फ्लोट नंबर है, इंटीजर फंक्शन ने इसमें से इंटीजर को निकाल लिया, दैट मींस आगे का 28 निकाल लिया गया और y के अंदर स्टोर कर दिया गया एंड बाकी का जो डेसिमल पार्ट है उसे ट्रंकेट कर दिया गया। इसी तरह से थर्ड में 38 जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया गया नंबर है तो इसका नंबर इंटीजर फंक्शन ने निकाल लिया, दैट मींस 38 को निकाल कर ए के अंदर स्टोर कर दिया एंड इसके डबल कोट्स को हटा दिया गया यानी स्ट्रिंग का फॉर्मेट हटा दिया गया। एंड एक्स वाई एंड ए वेरिएबल्स के अंदर हमें ये तीन डिफरेंट वैल्यूज 10, 28 एंड 38 मिल रही है। इसी तरह से हमारा फ्लोट फंक्शन होता है। तो चलिए सेकेंड फंक्शन यानी फ्लोट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहां पर कर देते हैं फ्लोट एंड ए को हम कर देते हैं जेड। अब फर्स्ट लाइन में एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू है जो कि फ्लोट फंक्शन को दी गई। फ्लोट फंक्शन उसी तरह से फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा जैसे इंटीजर फंक्शन दी गई वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा था, उसी तरह से फ्लोट फंक्शन दी गई वैल्यू को फ्लोट फॉर्मेट में यानी डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो 10 हमने भेजा है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट फंक्शन का काम होगा उसे डेसिमल में यानी फ्लोट में कन्वर्ट कर देना। फ्लोट में कन्वर्ट करके ये 10 के बाद डेसिमल एंड जीरो लगाएगा, दैट मींस 10.0 बनाकर इसे एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। सेकंड लाइन में हमने 28.56 जो कि पहले से ही एक डेसिमल यानी कि फ्लोट वैल्यू है इसको हमने फ्लोट फंक्शन के अंदर भेजा, तो दिया गया नंबर यहाँ पर पहले से ही फ्लोट है तो फ्लोट फंक्शन उसे फ्लोट फॉर्मेट में अगेन कन्वर्ट करेगा एंड वाई वेरिएबल के अंदर जैसी वैल्यू हमने पास की थी वैसी की वैसी 28.56 स्टोर कर दी गई। थर्ड लाइन में आते हैं तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रिंग वैल्यू जो कि 38 नंबर है उसे हमने फ्लोट फंक्शन के अंदर पास किया, तो फ्लोट फंक्शन इसके डबल कोट्स को हटाएगा एंड 38 नंबर जो मिल रहा है उसे वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा डेसिमल एंड जीरो लगाकर। तो हमारा नंबर बन जाएगा 38.0 एंड 38.0 को उसने जेड में स्टोर कर दिया। तो जब हम x, y एंड z वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट टाइम x के अंदर प्रिंट होगा 10.0, इसी तरह से y में प्रिंट होगा 28.56 एंड z में प्रिंट होगा 38.0। चलिए अपनी फाइल को रन करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया एंड अपनी फाइल को रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 10.0, 28.56 एंड 38.0 तीनों नंबर हमें फ्लोट फॉर्मेट में मिल रहे हैं। इसी तरीके से str फंक्शन होता है जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। str str and str। अब हमने पहले एक इंटीजर वैल्यू str फंक्शन के अंदर दी है। str फंक्शन क्या करेगा, दी गई वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू दी जा रही है स्ट्रिंग फंक्शन को, तो str फंक्शन यानी कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये 10 के ऊपर डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स लगा देगा एंड x वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह से सेकंड लाइन में हमने 28.56 जो कि एक डेसिमल या फिर फ्लोट वैल्यू है हमारा str फंक्शन, इसे भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स को लगाकर y वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। एंड थर्ड लाइन में हमने 38 जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया गया एक इंटीजर नंबर है str फंक्शन के अंदर पास किया, तो यहाँ पर str फंक्शन 38 को जो कि पहले से ही एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा अगेन, दैट मींस डबल कोट लगाएगा जो कि पहले से लगा हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि 38 जो कि पहले से एक स्ट्रिंग है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, तो 38 डबल कोट्स के साथ z वेरिएबल के अंदर रख दिया जाएगा एंड जब हम अपने x y z वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे तो हम अपने तीनों नंबर्स को डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर पाएंगे। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि हमारे तीनों नंबर्स या हमारी तीनों वैल्यूज स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। तो जब हम अपने x को प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा 10, जब हम y को प्रिंट करेंगे तो हमें
दिया गया नंबर 28.56 मिलेगा एंड जब हम जेड को प्रिंट करेंगे तो हमें 38 मिलेगा। एंड तीनों के तीनों वेरिएबल के अंदर रखी गई वैल्यूज स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। हालांकि हमें आउटपुट देखने पर डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स यहां पर नहीं भी दिखाई देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटीजर या फिर फ्लोट फॉर्मेट में होंगे, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके होंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं। तो हम अपनी फाइल को करते हैं रन एंड हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्स के अंदर हमें मिल रहा है 10, इसी तरह से वाई में मिल रहा है 28.56 एंड जेड वेरिएबल में मिल रहा है 38। यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो बिना डबल कोट या फिर सिंगल कोट के आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंटीजर या फिर फ्लोट फॉर्मेट में दिए गए नंबर्स हैं, इन्हें स्ट्रिंग में ऑलरेडी कन्वर्ट किया जा चुका है। अब इसका प्रूफ क्या होगा? इसका प्रूफ होगा कि अगर हम एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स का टाइप प्रिंट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसका टाइप इंटीजर आता है या फ्लोट आता है या फिर स्ट्रिंग आता है। तो चलिए हम सभी वेरिएबल्स के आगे टाइप फंक्शन को लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों वेरिएबल्स का टाइप क्या आता है। जैसा कि हम देख सकते हैं इन तीनों वेरिएबल्स का जो टाइप है वो str आ रहा है, क्योंकि पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन में भी सभी चीजें क्लास के अंदर बनाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर हमें क्लास के फॉर्मेट में तीनों वेरिएबल के डेटा टाइप्स या फिर टाइप्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल हमने देखा इंटीजर फंक्शन दिए गए नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, इसी तरह से फ्लोट फंक्शन दिए गए नंबर्स को फ्लोट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है एंड एसटीआर फंक्शन दिए गए वैल्यूज को या फिर नंबर्स को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ये था हमारा पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग या फिर कास्टिंग का चैप्टर। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।